रीवा में आज प्रदेश का पांचवा रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव से एमपी में निवेश बढ़ेगा और इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सरकार अपने गठन के साथ ही लगातार हमारे अपने मध्यप्रदेश को औद्योगिक निवेश और रोजगार की दिशा में लगातार युवाओं को अवसर मिले, हमारे हर युवा के हाथ में काम मिले, इसलिए सभी सेक्टर में समान रूप से काम कर रही है। खास करके हमारे लिए आईटी का सेक्टर हो या एमएसएमई उद्योग का सेक्टर हो, हेवी इंडस्ट्री का सेक्टर हो, खनिज और वन संपदा से लगा करके फूड इंडस्ट्री तक, सभी क्षेत्रों में लगातार रोजगार निवेश के अभियान को हमने लगाया हुआ है। 23 तारीख को हमारी पांचवी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा में होने वाली है। मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार जिस प्रकार से हमने इस अभियान को हाथ में लिया है, हमें सकारात्मक संदेश अभी तक मिले हैं। हमने अपनी रीजनल कॉन्क्लेव रीवा में करने के लिए 3 दिन पहले ही हमने एयरपोर्ट का शुभारंभ किया है। यहीं से हम कंटेनर डिपो भी बनाने वाले हैं और ये रीवा का बहुत महत्वपूर्ण अंचल है जो विंध्य और बुंदेलखंड को जोड़ते हुए विकास के लिए एक नया कीर्तिमान बनाएगा। अभी तक हमारे लिए लगातार अलग अलग स्थान पर हम अपने इन सारे चीज़ों को करने के लिए यहाँ प्रदेश के अंदर उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर इत्यादि स्थानों पर अभी तक हम रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर चुके हैं और इसी को सफल बनाने के लिए मुंबई, कोयम्बटूर, बेंगलोर, कोलकाता इत्यादि स्थानों पर रोड शो करके भी आए हैं। इसके माध्यम से लगभग 2,45,256 करोड़ का अभी तक का निवेश हमको प्राप्त हुआ है और लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलने के अवसर प्राप्त हुए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ रीजनल कॉन्क्लेव में बड़ी संख्या में जिस ढंग का उत्साह उमंग दिखाई दे रहा है, लगभग 4,000 से ज़्यादा प्रतिभागी इसमें भाग लेने वाले हैं और इसमें मैन टू मैन संपर्क से लगा करके हमारे अलग अलग स्टॉल भी लगेंगे, संवाद के केंद्र भी बनेंगे, प्रदर्शनी भी रहेगी और मैं खुद मैन टू मैन अलग अलग उद्योगपतियों से मिलकर के जो हमारे अपने रीवा या विंध्य के क्षेत्र में निवेशक आना चाहेंगे उनको भी अवसर देंगे। उसी अवसर पर प्रदेश भर में अलग अलग स्थानों की कई इंडस्ट्रियों के भूमि पूजन और लोकार्पण के काम भी करेंगे। हमने इस अभियान में इस बात का भी ध्यान रखा है कि जो क्षेत्रीय स्तर पर हमारे अलग अलग निवेशक या उद्योगपति अपने ऑलरेडी और संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, पांचवा रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है, किस तरीके से प्रदेश का विकास होगा इस कॉन्क्लेव के दौरान? निश्चित तौर पर देखिए, मध्यप्रदेश सरकार का ये बड़ा कदम है कि रीजनल स्तर पर जाकर इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव करना और वहाँ की जो संपदाएं हैं, चाहे वो वाटर रिसोर्सेज हो, लैंड रिसोर्सेज हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, उनका भरपूर उपयोग जो है वो उद्योगपति कर सके और मध्यप्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आ सके, इसको लेकर सरकार लगातार इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन कर रही है। और आज जो कॉन्क्लेव होना है वो रीवा में हो रहा है, जहां पर बड़े पैमाने पर जो उद्योगपति हैं वो शामिल होंगे। और सीएम को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि 1-to-1 में एक एक उद्योगपतियों के पास जाकर चर्चा करूंगा और जो मध्यप्रदेश में उपलब्धताएं हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी की अगर बात करें, जो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, सस्ते दामों पर जिस तरीके से तमाम सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध होती है, टैक्सेशन में जो छूट देने का जो काम है वो किया जा रहा है, इन सारी बातों को रखेंगे। और रीजनल कॉन्क्लेव का उद्देश्य यही है कि जो लोकल के रहने वाले लोग हैं उनको बड़े पैमाने पर रोजगार मिल सके, कैश फ्लो जो है वो मार्केट में बढ़े, ताकि जो आम तबका है और जो लोअर मिडिल क्लास जो तबका है, जो व्यक्ति है, उन तक भी जो रोजगार के अवसर है वो पहुंच सके। क्योंकि जब इंडस्ट्रीज आती है तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरीके का जो रोजगार है वो बढ़ता है। डायरेक्टली तो फैक्ट्रीज में, प्लांट्स में और सेक्टर्स में जो आपको एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेशन होता है, लेकिन उसके आसपास एक छोटा सा शहर जो है वो डेवलप होता है, जिसमें तमाम तरीके की दुकानें होती हैं, तमाम तरीके के अलग अलग इकोनॉमिक जो साधन है वो संसाधन जो है वो डेवलप हो जाते हैं और इससे बहुत बड़े पैमाने पर जो रोजगार है वो जनरेट होता है। और इसी को लेकर लगातार ये जो पूरे प्रयास है वो किए जा रहे हैं। सीएम ने कहा है कि आज का जो कॉन्क्लेव है वो बहुत सफल होगा, 4,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और बड़ी बात यह है कि इसमें 20 से 50 लोग ऐसे भी हैं जो बड़ा निवेश इस क्षेत्र में ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री पहले से ही रही है और उत्तर प्रदेश से अगर एमपी आते हैं तो गेटवे ऑफ एमपी अगर कुछ है तो वो विंध्य है, तो यूपी से भी बड़ा निवेश